पहली कहानी है, शिष्य जिसका नाम हरि राम है पूछता है, ईमानदारी क्या है गुरुदेव, ईमानदारी क्या है गुरुदेव। गुरु, ये एक भयानक जानलेवा बीमारी का नाम है। हरि राम, क्या ये हमारे देश में भी होती है? गुरु, हरि राम बहुत पहले प्लेग, टीबी और हैजे की तरह, इसका भी कोई इलाज न था, तब ये हमारे देश में फैलती थी और लाखों लोगों को चट कर जाती थी। और अब गुरुदेव, अब उस दवा का पता चल गया है जिसके कारण इस बीमारी को रोका जा सकता है। उस दवा का क्या नाम है गुरुदेव? आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर उस दवा का नाम है लालच। लालच, गुरुदेव अगर एक सुंदर स्त्री के पीछे, गुरुदेव अगर एक सुंदर स्त्री के पीछे उसके दो प्रेमी लड़ रहे हों, तो सुंदर स्त्री को क्या करना चाहिए? गुरु, तीसरे प्रेमी की तलाश। क्यों? क्यों गुरुदेव? इसलिए कि सुंदर स्त्री के पीछे लड़ने वाले प्रेमी नहीं हो सकते। क्रांति क्या है गुरुदेव? क्रांति क्या है गुरुदेव? हरिराम, क्रांति एक चिड़िया का नाम है, एक सुंदर चिड़िया का नाम है क्रांति। ये कहाँ रहती है गुरुदेव? चतुर लोगों की ज़ुबान पर और सरल लोगों के हृदय में। चतुर लोग उसका क्या करते हैं? चतुर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके गीत गाते हैं और समय आने पर उसे चबा जाते हैं। और सरल लोग उसका क्या करते हैं? वह उनके हाथ कभी नहीं आती। गुरुदेव अगर एक हड्डी के लिए, गुरुदेव अगर एक हड्डी के लिए दो भूखे कुत्ते लड़ रहे हों, तो उन्हें देखकर एक सरल आदमी क्या करेगा? बीज बचाव कराएगा। और एक चालाक आदमी क्या करेगा? हड्डी लेकर भाग जाएगा। और एक राजनेता क्या करेगा? दो भूखे कुत्ते वहां और छोड़ देगा। सबसे बड़ा दर्शन क्या है गुरुदेव? हरि राम, सबसे बड़ा दर्शन है चाटुकारिता। कैसे गुरुदेव? इसलिए कि चाटुकार बड़े से बड़े दर्शन को चाट जाता है।